हम खसखस की सब्जी बनाएंगे, इसके लिए हमें मस्टर्ड ऑयल चाहिए। तो हम पहले इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। मस्टर्ड, अगर आप मस्टर्ड ऑयल नहीं पसंद करते तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल मैंने इसमें डाला है। अब हम इसको गर्म करेंगे। इसमें जाएगा 1 टीस्पून कलौंजी, जिसको कि काला जीरा भी बोलते हैं। तो ये 1 टीस्पून होना चाहिए इसके अंदर। तो जब ये तेल गर्म होगा हम इसमें ये कलौंजी डाल देंगे। इसके बाद मैंने 1/2 kg अनियन दिया है, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके पतला पतला काट लिया है। अब हम इसमें तेल गर्म होने के बाद कलौंजी डालेंगे। इसके साथ ही मैंने 50 ग्राम खसखस लिया है, जिसको मैंने हरी मिर्च के साथ पीसा है। अगर आपको हरी मिर्च नहीं पसंद है तो आप खाली खसखस को भी पीस सकते हैं। तो अब हम इसमें गर्म होने के बाद काला जीरा यानी कि कलौंजी डाल देंगे। अब हम इसमें अनियन को बिल्कुल रेड करेंगे, ब्राउन करेंगे। इसमें अनियन का ही मेन काम है, इसको अच्छे से ब्राउन करना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे ही थोड़ा सा कलौंजी पक जाएगा हम इसमें अनियन डाल देंगे। इसके साथ ही जो मैंने खसखस पीसा था उसका मिक्सी में जो रेजिड्यू था उसमें पानी लेके मैंने इसको पूरा बाहर ले लिया है। और इसमें सिर्फ नमक जाएगा और लाल मिर्च जाएगी, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाता है। तो हमारा ये कलौंजी एक थोड़ा सा वो हो जाए तब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से ब्राउन करना जरूरी है इसमें। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है सब्जी, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये हमने इसमें अनियन डाल दिए। अब अनियन को हम इसमें अच्छे से ब्राउन करेंगे और साथ ही सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने से अनियन जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो इसमें मैंने नॉर्मल व्हाइट सॉल्ट डाल दिया 1 चम्मच। आपको इन द मीन टाइम बता देती हूँ कि इसको पीसना कैसा है। जब आप खसखस को पीसेंगे तो फर्स्ट टाइम ये ऐसे पूरा मिक्सी के साथ चिपक जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको आपको नाइफ से पूरा इस तरह से पूरा उतार लेना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बस पीसना इसको। मिक्स वैसे सिलबट्टे में तो ये बहुत ही अच्छा पीसता है, लेकिन अब हमारे पास सिलबट्टा तो मुश्किल है। तो इस तरह से अब ढक्कन वाला भी जो है इसमें भी आप इस तरह से पूरा उतार के 2 ड्रॉप पानी डालिए। 2 ड्रॉप पानी डालने से 2-3 ड्रॉप पानी डालिए, फिर से इसको घुमाइए। जब आप फिर घुमाएंगे ये फिर से ऐसे ही जैसे पहले चिपका हुआ था ऐसे ही चिपक जाएगा। फिर से आपको इसी तरह नाइफ से इकट्ठा करना है और इसमें 2-3 ड्रॉप डाल के पानी फिर से पीसना है। तो ये 5-6 राउंड में पेस्ट बनेगा इस तरह से। 5-6 राउंड में आपका पेस्ट तैयार होगा। लेकिन अगर आप इसमें हरी मिर्च डाल देंगे तो खसखस को थोड़ी बॉडी मिल जाती है, तो वो पीसने में थोड़ा सा हेल्प करता है, तो पेस्ट जल्दी रेडी हो जाती है। तो इस तरह से आपको एक पेस्ट तैयार करना है और इसको अच्छे से ब्राउन करना है। जब आपका मिक्सी पूरा पेस्ट बन जाएगा आप निकालेंगे तो बहुत सारा रेजिड्यू मिक्सी में रह जाता है, तो उस पानी को वेस्ट नहीं करना है। फिर उसमें आप उस रेजिड्यू को वेस्ट नहीं करना, उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए और अच्छे से घुमा के 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरा इसका जो भी रेजिड्यू है इसको इस तरह से निकाल दीजिए। ये हमारे काम आएगा अभी। तो अब हम इसको अच्छे से रेड करेंगे। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और खसखस तो आपको पता है कि इसमें कितना न्यूट्रिशियस वैल्यू है। तो इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। इसी को ब्राउन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए अब इसका कलर चेंज हो रहा है। इसके साथ ही हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने कम डाला है क्योंकि मैंने इसमें 4 हरी मिर्च भी खसखस के साथ दी थी।
तो इसलिए मैं लाल मिर्च कम डाल रही हूँ बस, इसमें और कोई मसाला नहीं डालता। बहुत ही सिंपल सब्जी है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये एक्चुअली एक बंगाली क्विजीन है, हर बंगाली घर में खसखस की, एक्चुअली खसखस तीन चार सब्जियों के साथ बनती है, जैसे लौकी के साथ और आलू पोस्तो बनता है, इसको आलू पोस्तो बोलते हैं, इसको बांग्लादेश में प्याज पोस्तो बोलते हैं, इसी तरह से तोरी के साथ भी बनता है। तो अगर आपको ये सब्जी पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं आलू पोस्तो की सब्जी शेयर करूं या दूसरी लौकी की रेसिपी शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आपके साथ आलू पोस्तो यानी कि आलू खसखस की सब्जी, लौ पोस्तो यानी लौकी के साथ उसकी सब्जी, और तीसरा हमारा होता है झींगा पोस्तो तोरी के साथ, तो मैं आपके साथ तीनों रेसिपी शेयर करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए अभी ये रेड होना शुरू हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें जो हमारा ये पेस्ट था इसको हम डाल देंगे, बस सब्जी बनने में दो मिनट और लगेंगे। बंगाली क्विजीन में इसको राइस के साथ खाया जाता है, राइस दाल फिश और ये पोस्तो, पर रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, पराठे के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। इसके साथ ही जो पानी था हमारा मिक्सी में वो मैंने लिया है, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके डाल के हम इसको पकाएंगे। अगर आप तो, कई लोग इसमें थोड़ा सा शुगर डालते हैं, चीनी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। अगर आप डालना चाहें तो आप चीनी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। चीनी डालने से थोड़ा इसका टेस्ट अलग तरह का हो जाता है, बट अगर आप डालना चाहें तो ऑप्शनल है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जो हमारे पास है और इसको अच्छे से पकाएंगे। जब हम पकाएंगे इसको थोड़ा सा, तो ये पूरा गल जाना चाहिए प्याज। तो अभी इसमें हम ये वाला पानी डाल के 5 मिनट इसको सिम पे ढक के रख देंगे। अब मैं गैस को स्लो कर रही हूँ और इसको मैं सिम पे ढक के रख देती हूँ, तो ये पूरा एकदम गल जाएगा। बस हम इसको 5 मिनट कुक होने देंगे और फिर हमारी सब्जी तैयार है। चेक करते हैं हमारी सब्जी कैसी बनी है। इसको हम 1 मिनट हाई करके थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोबारा से। हीट पे इसको बस 1 मिनट चला लेंगे, ताकि अगर कोई पानी का मॉइस्चर वगैरह कुछ है तो वो पूरा भाग सूख जाए पानी इसका। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया डाल के भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो सब्जी एकदम रेडी है। देखिए ये बहुत ही हेल्दी सब्जी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको दूसरी रेसिपी खसखस के साथ चाहिए तो मैं आपसे शेयर करूंगी।